गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, टूडे आई एम टेकिंग टॉपिक राइटिंग ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम कैसे राइट डाउन करेंगे। फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको समझाया था कैसे करते हैं। नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट्स आपको ऊपर राइट डाउन करना होता है एंड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आपको यहाँ पर नीचे लिखना होता है, ओके। और इसकी जो फॉर्म होती है, ये ऐसे आप राइट डाउन करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। जो ऊपर लिख रहे हो उसे न्यूमरेटर बोलेंगे और जो नीचे लिखेंगे उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। यस, लेट्स वी सी इन द एग्जांपल। ये आपके पास एक शेप है, एक फिगर है। इसमें देखिए शेडेड पार्ट कितना है, 1, 2। तो 2 तो आपको ऊपर राइट डाउन करना है। एंड हाउ मेनी टोटल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4। 4 आपको नीचे राइट डाउन करना है। सो दिस इज द वे टू राइट डाउन द फ्रैक्शन। ऐसे हम फ्रैक्शंस को राइट डाउन करते हैं। न्यूमरेटर क्या होता है बेटा, ऊपर वाला जो सिलेक्टेड पार्ट्स हैं वो न्यूमरेटर होता है। एंड डिनोमिनेटर कौन सा है, जो आपने नीचे लिखा है इक्वल पार्ट्स इन ऑल। एक फिगर में, एक शेप में जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो बन जाता है डिनोमिनेटर, और जो आप सिलेक्टेड पार्ट्स ले रहे हैं जिसमें शेडिंग थी वो बन गया आपका न्यूमरेटर। वन मोर एग्जाम्पल, सी हियर। सिलेक्टेड मीन्स जिसमें शेडिंग है, कितने हैं, 1 और 2। कितने हैं, 2। तो 2 तो आपको ऊपर लिखना है। एंड हाउ मेनी टोटल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 हो गए, 8 आपको नीचे राइट डाउन करना है। सो 2 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर। नाउ आवर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं। 3 7s, लास्ट में TH लगता है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 आपको ऊपर लिखना है। 7s तो 7 नीचे, ओके। 6 9s, 6 आपको ऊपर लिखना है, और जिसके पीछे TH लगा हो वो आपको नीचे ही लिखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। 9s 9, 6/9। नेक्स्ट 8 11s, 8 आपको ऊपर लिखना है, 11 नीचे, ओके। TH जिसके पीछे है वो नीचे ही आएगा, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। नेक्स्ट इज 3 5s, 3 आपको यहां लिखना है। 5th क्या होता है, 5। 2 8s क्या होता है, 8 यहां लिखिए। 3 10s 3 यहां लिखिए और 10 यहां लिखिए। TH मीन्स आपका कहां आएगा, ये नीचे आएगा। थैंक यू।